जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम आर के वर्मा फ्रॉम माई टीचर। टूडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट राइट सर्कुलर कोन। जैसे इसके पहले के वीडियो में आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ाया गया था, तो थ्री वर्ड से बना हुआ था। ऐसे आपका राइट सर्कुलर कोन भी, ये भी थ्री वर्ड से देखिए बना हुआ है। जैसे आपका देखिए कोन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोन। जैसे आप मूंगफली जो खाते हैं ऐसे 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 आपको बना के देता है, या आपने आइसक्रीम जो देखा होगा ऐसे बना होता है, अंदर भरा रहता है, तो ये आपका यही राइट सर्कुलर कोन है। अब इसमें देखिए, इसमें भी थ्री वर्ड है, तो एक है आपका राइट, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है कोन। तो सबसे पहले कोन तो आप समझ जानते होंगे, कोन जैसा है, शेप इसका कोन के जैसा है। तो और दूसरा है सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स होता है जो इसका बेस है, ये बेस देखिए सर्किल जैसा है। बेस मीन्स जैसे इसको आप इस पर रखेंगे किसी प्लेन पर, तो ऐसे देखिए ऐसे प्लेन पर आप इसको रखेंगे इस तरीके से, तो इसका बेस कैसे है, सर्किल जैसे, इसलिए इसका नेम हो गया सर्कुलर। और राइट वर्ड कहाँ से आ गया, राइट देखिए राइट में होता है कि जैसे इसमें इसका सर्किल का सेंटर होगा ना, यहाँ सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा, सर्किल का सेंटर बीच में होगा। तो इसका जो सर्किल का सेंटर है और जो इसका जो टॉप है, कोन का जो टॉप है, उसको आप ज्वाइन करा दो। मीन्स जिसको देखिए सेंटर यह है सर्किल का और टॉप इसका यह है, तो इसको ज्वाइन कराओगे तो ऐसे ही तो बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसके सेंटर को यहाँ जहाँ हमने यहाँ पकड़ा है सेंटर को, इसके टॉप को ज्वाइन करा दो ऐसे। देखिए ज्वाइन करा दिया, और इसको ज्वाइन कराने के बाद ये जो है ये इस पर क्या हो जाए कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मीन्स जो सेंटर का जो सर्किल है नीचे बेस पर का जो सेंटर है और जो टॉप है उसको ज्वाइन करा दो, और इस पर क्या हो जाए, प्लेन पर वो परपेंडिकुलर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे राइट मीन्स 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट बोलेंगे। और सर्कुलर चूंकि सर्किल जैसा उसका बेस है और कोन के शेप में, इसलिए इसका नेम रखा गया राइट सर्कुलर कोन। इसमें याद रखिएगा जो राइट 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल है, किसका एंगल है, वो सर्किल जो नीचे बेस है उसका सेंटर और जो कोन का टॉप है उसको ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, प्लेन पर, जिस प्लेन पर ये कोन रखा हुआ है। ये पूरी बात समझ में आपकी आ गई होगी, तो ये जो है इसीलिए इसका नेम रखा गया राइट सर्कुलर कोन। देखिए इसका उसका बेस जाने, बेसिक चीज जाने कैसे होता है ये, तब समझ में आ जाएगा, भूलता नहीं तो भूल जाता है वो। तो ये राइट सर्कुलर कोन क्लियर। अब आता है कि ये बनता कैसे है, तो उसको बता दें कैसे बनता है। तो इसके लिए देखिए ये जो है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए ये आपका हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये आपका ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को जब परपेंडिकुलर के चारों तरफ उसके अराउंड इसको हम जब इसको हम ऐसे रोटेट कराते हैं, बैठ के बैठ जाओ, देखिए इसको जैसे यह देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है, और इसको परपेंडिकुलर के ऐसे चारों तरफ जैसे हम रोटेट कराएंगे, देखिए ऐसे खूब तेजी से, ऐसे खूब तेजी से, ऐसे जब आप रोटेट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए राइट सर्कुलर कोन आपको मिलेगा। देखिए इसको खूब तेजी से रोटेट कराइए आप, इसको खूब तेजी से, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा राइट सर्कुलर कोन। इसका मतलब ये हो गया, ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जो राइट सर्कुलर कोन है ये राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है। ये बात समझ आ गई होगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, जरा इसमें थोड़ा सा हमको डीपली देखना होगा।
कि ये आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो तीनों में रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, बताया गया है। तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इसको एच ले लो, बेस को ए ले लो, बेस को आर ले लो। क्यों आर, क्योंकि ये जो रेडियस बनेगा ना, इसको इसे रोटेट कराओगे तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। और परपेंडिकुलर को इसमें, यहां से देखिए आप जो हाइपोटेनस है इसमें आर एल लिया है, एल पहले को इसको देखिए आप कोण में, देखें कोण में आपने क्या लिया है, जो परपेंडिकुलर हाइट एच लिया है, देखिए यहीं से आप इसी से समझे तो समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर हाइट क्या है, एच, और बेस जो है वही तो रेडियस बना रहा है। देखिए बेस क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, समझ में बात आ रही है, बेस रेडियस बना रहा है। आर ले लो, और जो यल है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये यल यल जो देख रहे हैं ना, वही जो हाइपोटेनस उसी को स्लैंट हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस आर है, बेस है, जो भी कही है। तो स्लैंट हाइट मीन्स हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ओ बी सी में आप देखिए, यही है आपका, देखिए यही चीज देखिए, यही है बिल्कुल सेम है। ओ जो है इसका ये है सेंटर है, बी इसका ये देखिए ये कॉर्नर यहाँ का है, और ये ऊपर वर्टेक्स का सी है, देखिए दिखाई दे रहा है, इसे घुमाओगे तो ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ये एस देखिए लिखा हुआ है, आर यहाँ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर को बेस, सर्कुलर बेस देखिए ये सर्कुलर बेस है, इसका रेडियस आर है, एच क्या परपेंडिकुलर हाइट है, आप कोण कोण का परपेंडिकुलर हाइट आप समझ रहे होंगे, और यल जो है स्लैंट हाइट है, यल स्लैंट हाइट जिसको आप हाइपोटेनस के नाम से आप बताया गया अभी। अब इसमें पहला रिलेशन बिटवीन आर एच एल, आर क्या रेडियस, एच क्या परपेंडिकुलर हाइट है, और यल क्या स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसको स्लैंट हाइट, जो हाइपोटेनस है स्लैंट हाइट इसको आप कहेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, इसका ओ है, ये बी है, ये सी है, इस राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ओ बी सी में क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन है एल आर और एच, ये रिलेशन समझ में आपके आगे होगा ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमें जानना होगा क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हमें यूज करना होगा। इसके बाद इसमें आता है लेटरल सरफेस एरिया, आर कर्व सरफेस एरिया सी एस ए। तो इसको देखिए कैसे फाइंड करते हैं, जरा इसको देखिएगा। इसको फाइंड करने के लिए करना यह है आपको कि जैसे लेटरल सरफेस एरिया तो आप जान रहे होंगे, मैंने कहा था जो साइड में एरिया जो सामने से दिखाई दे वही लेटरल सरफेस एरिया होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया यह है, हम देख रहे हैं जो ये हमको दिखाई दे रहा है, इसको ठीक समझिएगा, थोड़ा टफ है जरा सा ये। तो ये देखिए ये हमको इसका हमें एरिया फाइंड करना, हम प्रैक्टिकली समझा दे रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो ये है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ये है ये इसको हम जो है लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कर्व है, कर्व के शेप में है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया भी इसको कह सकते हैं, दोनों इसका नेम है, बट इसको कर्व कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है, जरा इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको ऐसे काट दें, देखिए जब इसको ऐसे काट देंगे इसको, तो होगा क्या कि इसका शेप देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर ठीक समझिएगा, इसको मैंने काट दिया ऐसे, देखिए बन गया ना, ऐसे देख रहे होंगे आप, तो ये बन गया है। ये बताइए ये आपका ये कितना है, ये सर्किल है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है ना, ये क्या होता है 2 पाई आर, फिर से ध्यान दीजिए कितना है 2 पाई आर। अब इसमें 2 पाई आर में तो इसकी स्लैंट हाइट क्या है, एल। तो इसके हर सभी जगह अगर आप देखेंगे तो स्लैंट हाइट क्या मिलेगी, एल एल एल, सभी जगह स्लैंट हाइट मिलेगी आपको। तो आप इसमें क्या करें जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे स्लैंट हाइट सबकी एल ही मिलेगी, क्योंकि इसके सर्फेस पर है ना, ये कर्व सरफेस पर है। तो इसमें से आप क्या करें, इसके ऐसे ऐसे कट कर दें, ऐसे ऐसे या कोई निशान लगा दें इस तरीके से, तो यहां से यहां तक बता सकते हो कितना होगा 2 पाई आर, कितना होगा जल्दी बोलिए 2 पाई आर। ओके तो कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है
और इसमें से आप इसका जैसे उसमें लिए थे सिलेंडर में, वैसे इसमें एक एक यूनिट ले लें, एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट सभी जहां एक यूनिट, तो एक 2 पाई आर तक इसका यूनिट, एक एक यूनिट बनेगा 2 पाई आर, इसकी इसका सर्कमफ्रेंस है तो एक एक यूनिट का 2 पाई आर तक बनेगा, जैसे उसमें एच लिए थे इसे 2 पाई आर बनेगा। ओके, अब ये बताइए कि इसका जो ये यहाँ पर ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए, इसमें देखिए ये ट्राइंगल देखिए बन रहा है, ये ट्राइंगल देखिए बन रहा है ना, ये इसकी लेंथ कितनी मैंने ली है यहाँ 1 यूनिट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से सुनिए, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस 1 हो गया, हाइट एल हो गया, हाइट क्या हो गया एल, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एम एन, एक पीस का कितना बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 1 और हाइट कितना है एल, तो हाफ एल हो गया, कितना हो गया देखिए हाफ एल। ये बात समझ में आपके आ गई, तो एक एक पीस का कितना हो गया हाफ एल, ऐसे ऐसे कितने पीस है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है कितना है 2 पाई आर, यहां से यहां तक 2 पाई आर, तो कितना हो गया एक पीस का हाफ एल, तो 2 पाई आर पीस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए हाफ इंटू हाफ एल में लेटरल सरफेस एरिया जो बनेगा, हाफ एल से 2 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई आर एल, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा कितना हो गया पाई आर एल। यहीं पर हम विराम देंगे क्योंकि अब और लंबा इसमें वीडियो बन नहीं पाता, ही प्रॉब्लम है, अब हम टोटल सरफेस एरिया जो है आपको बाद में बताएंगे, तो यही विराम देते हैं, थैंक यू।